दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आपके कंप्यूटर में मल्टीपल ड्राइवर इंस्टॉल हो गए हैं एक ही प्रिंटर के, तो आप उसको कैसे रिमूव करेंगे। अगर आप शॉर्टकट तरीके से जो रिमूव करेंगे तो ये रिमूव नहीं होंगे, इनको कम्प्लीटली रिमूव कैसे कर सकते हैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे एक ही प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं और मैं इनको रिमूव करने की कोशिश करूँगा, ऐसे तो ये रिमूव नहीं होंगे। और यहाँ पर जो स्टेटस बता रहे हैं वो सब रेडी बता रहे हैं, लेकिन जब मैं प्रिंट देता हूँ तो उस पर एक ट्राइंगल का एरो आ जाता है, ना ही प्रिंट आता है वो, फिर वो एरर में चला जाता है। तो इस तरीके से सभी लोगों को भी यही प्रॉब्लम आती होगी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये एक प्रिंटर पे मैंने चेक करा, अब मैं इस पर दूसरे प्रिंटर पर चेक कर रहा हूँ, सेम वही ड्राइवर पे। तो यहाँ पर दिखने में तो रेडी दिखा रहा है नीचे स्टेटस, बट जब मैं जैसे ही प्रिंट दूँगा तो देखना इसमें भी सेम ही एरर आएगा। तो मैंने इसे वापस प्रिंट दिया और इसमें वही एरर आया है। तो यहाँ पे अब तीसरे प्रिंट की बारी है, तो जो तीसरा प्रिंटर भी है वही सेम है, और वापस मैं उस पर प्रिंट देता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं उस पर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं वापस इस पर प्रिंट देने की कोशिश करूँगा, वापस राइट क्लिक किया, प्रिंट प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और प्रिंटर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर फिर प्रिंट दूँगा, तो यहाँ पे फिर भी प्रिंट नहीं आया। जबकि मैं इनको स्टेटस चेक करता जा रहा था तो ये रेडी बता रहे थे, और जब मैं प्रिंट देता हूँ तो ये पेंडिंग में जा रहे हैं और ट्रायंगल का एक येलो मार्क का एक एरो आ जाता है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पे एक लास्ट प्रिंटर और बचा है, तो उस पर भी एक बार ट्राई कर लिया जाए, शायद उस पर प्रिंट आ जाए, तो उस पर भी प्रिंट नहीं आ रहा है। तो इसको कम्प्लीटली अनइंस्टॉल करना है तो कैसे करना है, ये काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं और वो कंट्रोल पैनल में जाके इसको अनइंस्टॉल करने की सोचते हैं, बट वहाँ से अनइंस्टॉल नहीं हो पाता कम्प्लीटली। तो यहाँ पे इसको हम कैसे कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इसके लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी हमने प्रिंट दिए इनको क्लोज करना है, और यहाँ पे हमें एक सेटिंग ओपन करनी होगी जो प्रोग्राम सेटिंग होती है प्रिंटर की हो जाए या किसी भी सॉफ्टवेयर की, वहाँ से हम उसको डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वो ओपन करना होगा, सिंपली हमने क्या करना होगा, यहाँ पर अगर वापस इसे हम यहाँ से रिमूव करने की भी कोशिश करेंगे, जैसे कि ये यहाँ से हम इसको रिमूव करके देखते हैं, सेकंड रिमूव हो गया, तीसरा हम रिमूव करके देखते हैं, तो यहाँ से ये रिमूव हो गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ से रिमूव करते हैं, कई लोग करके भी देखते हैं, बट क्या होता है वो रिमूव नहीं होता है, जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये जो प्रिंटर है वो वापस आ जाएंगे। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे, तो जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर देखना, तो यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया, अब देखते हैं वो प्रिंटर आए तो बिल्कुल आ गए हैं, जैसे मैंने इनको हटाया था वैसे के वैसे ये वापस आ गए हैं। तो ऐसे ये प्रिंटर नहीं हटने वाले। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं आपको कम्प्लीटली समझाना चाहता हूँ कि क्यों आते हैं और कैसे हटाने। तो आप सोच रहे होंगे कि यार काफ़ी टाइम को वीडियो को घुमाए जा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कैसे हटाना है, तो मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको एंड तक समझ में आए। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जितने भी आपने टैब खोल रखी सबको क्लोज कर देना है, और यहाँ पे आपको जाना है सर्च प्रोग्राम में से भी जा सकते हैं और विंडो आर करके भी आप जा सकते हैं उस प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में आ जाइए, चाहे आपके पास 7 है, 10 है या 8 है, विंडोज़ कोई सी भी है, आपको सर्च बॉक्स में आ जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है MMC। आप इतना सा लिख दीजिए, यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दिखेगा, उस पर आपको राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा। रन एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं तो फर्स्ट बार आप ओपन करेंगे तो आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 7 सेकंड का टाइम भी लग सकता है, और अकॉर्डिंग टू पीसी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आप फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर फाइल के जैसे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एड रिमूव स्नैप इन, और आप इसको कंट्रोल एम से शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको प्रिंट मैनेजमेंट का एक ऑप्शन ढूंढना है, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये बहुत बारीक बारीक होते हैं, तो आप क्या करें इसको जूम कर लें, और जूम से भी ना दिखे तो आप इसको एक माउस पे एक किसी प्रोग्राम पे क्लिक करें और अप एंड डाउन कीजिए एक एक करके इसको सर्च कर लें। जैसे आपको मिल जाता है आपको उसको ऐड कराना है, ऐड कराने के लिए ऐड पर क्लिक करना होगा, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा ऐड ए सर्वर, आपको ऐड ए सर्वर पर कुछ नहीं कराना, नीचे एक ऐड ए लोकल सर्वर पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं नीचे आपको फिनिश का ऑप्शन दिख जाएगा, फिनिश के बाद आपको ओके कर देना है। ओके के बाद वो जो मैनेजमेंट था यहाँ पे आपको होम पेज पे इस जगह आपको ऐड दिख जाएगा, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 3 और ऑप्शन खुलेंगे, कस्टम फिल्टर, प्रिंट सर्वर और डिप्लॉय प्रिंटर। यहाँ पे आपको सिंपली
प्रिंट सर्वर पर क्लिक करना होगा, क्योंकि हम जो काम करने वाले हैं वो प्रिंट सर्वर पर ही होगा। तो यहाँ पे आपको प्रिंट सर्वर पर आ जाना है, वो प्रिंट सर्वर वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, आपके उसके पीछे एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको आपका जो कंप्यूटर का नेम होगा उस टाइप का एक नाम दिख जाएगा। तो मेरा नाम कंप्यूटर पे शाहरुख है, तो शाहरुख पीसी पे मैं क्लिक करूँगा। तो शाहरुख पीसी पे आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तीनों ऑप्शन खुल जाते हैं, ड्राइवर, प्रिंटर्स एंड पोर्ट। तो आपको सिंपली क्या करना है, नीचे प्रिंटर्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते हैं, जितने भी आपने प्रिंटर के ड्राइवर अभी तक इंस्टॉल करेंगे, कंप्यूटर इंस्टॉल या विंडो इंस्टॉल करने के बाद, वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक एक को डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम सभी को एक एक करके डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिलीट कुछ यहाँ पे डिलीट भी बता रहे हैं वो कम्प्लीटली डिलीट नहीं हुए, क्योंकि हमने वहाँ से उनको रिमूव करने की कोशिश करी थी, बट वो रिमूव नहीं है, वो रिमूव यहाँ से होंगे। तो उसके लिए आपको इस पर क्या करना है, आपको अगर कोई टेस्ट आपने पेज दे रखा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये कैंसिल नहीं होगा तो ये ड्राइवर भी रिमूव नहीं होता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आपको डिलीट का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है, तो आप येस कर दीजिए। येस करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड का प्रोसेस होगा और आपको वेट करना है, रिफ्रेश करके देखना है। अगर वो डिलीट नहीं होता है तो हो सकता है कोई वजह हो, क्योंकि उसमें आपने पिछली बार क्या करा होगा कि उसमें कोई पेज दे रखा होगा, तो वो प्रिंटिंग के अंदर वो पेज फंसा हुआ होगा। जब तक वो कैंसिल नहीं होगा तब भी ये ड्राइवर अनइंस्टॉल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वन बाई वन करके वो सभी ड्राइवर अनइंस्टॉल कर लेने हैं जो आप डिलीट करना चाहते हैं या डिलीट कर देने हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी मुझे ड्राइवर डिलीट करने हैं वो मैं वन बाई वन करके डिलीट करने की कोशिश करता हूँ और रिफ़्रेश भी करता जाता हूँ, ताकि जो डिलीट होने होंगे वो हो जाएंगे और जो नहीं होंगे उनके हम बाद में देखते हैं उनके क्या करना है। तो यहाँ पे अभी तक एक ड्राइवर डिलीट हो चुका है और बाकी के जो तीन हैं जिन पे वन वन लिखे हुए आ रहे हैं वो तीन पेंडिंग पड़े हैं, वो डिलीट नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मिनिमाइज़ करना होगा और मिनिमाइज़ करके आपको वहाँ पर जाना है जहाँ प्रिंटर हमारे ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, और वहाँ पर आपको जाके देखना है प्रिंटिंग प्रॉपर्टी में, वहाँ पे कोई ड्राइवर जैसे कोई प्रिंट दिया हो वो पड़ा तो नहीं है, है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। कैंसिल होने के लिए हो सकता है 5 से 7 सेकंड का टाइम लगे, आपको थोड़ा सा वेट करना है। बार बार कैंसिल मत करना, जैसे कि मैं करके बता रहा हूँ, मैं आपको महज बता रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको कैंसिल करने के बाद आप यहाँ पर आकर रिफ़्रेश कीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद आप वापस उस ड्राइवर को डिलीट करने की कोशिश करिए। अब दो ड्राइवर रह गए, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले चार थे, दो डिलीट हो चुके हैं और दो बचे हैं। अब दो बचे हैं, अब दो में भी वन वन करके एक प्रिंटिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भैया किस में कौन से प्रिंटिंग पेज पेंडिंग पड़ा है। जब तक वो डिलीट नहीं होगा तब तक ये ड्राइवर भी रिमूव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं और उसको रिमूव करने की और उसको कैंसिल करने की टेस्ट पेज को कोशिश करते हैं। तो यहाँ टेस्ट पेज दिखा रहा है, यहाँ से हम इसको डिलीट या कैंसिल ऑल डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल ऑल डॉक्यूमेंट कर दिया है, यहाँ से आप डिलीट भी कर दीजिए। और थोड़ा सा वेट भी करना होगा हमें इसके साथ साथ, क्योंकि जब तक वेट नहीं करेंगे तब तक ये डिलीट भी नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है। क्योंकि कैंसिल अगर प्रिंटिंग की बात होती तो प्रिंट हो सकता है, फटाफट आ जाता, लेकिन जहाँ बात आती थी प्रिंट जाम की तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाता है। प्रिंट अगर आपका प्रीव्यू जो है प्रोसेस में चल जाता है, कैंसिल हो जाता है या अटक जाता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है प्रिंटर को। तो यहाँ पे अभी तक हमने सबको कैंसिल कर दिया है, सभी ड्राइवर हमने हटा दिए हैं। अब यहाँ पे महज एक ड्राइवर बचा है, इसको भी हमें कम्प्लीटली हटा देना है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है यहीं से। तो मैं ऑल कर देता हूँ वापस, जैसे कि मैंने उस ड्राइवर के साथ किया था। तो यहाँ पर मैंने सबको हटा दिया है वन बाई वन करके, मैं रिफ़्रेश करूँगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको वापस रिमूव करके हटाते हैं तो यहाँ से ये रिमूव करके नहीं हटेगा, हमें वैसे ही हटाना होगा। जैसे कि यहाँ रिमूव का ऑप्शन आता है इस जगह, आप नीचे देख सकते हैं, तो इस जगह आप रिमूव करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगा, हमें वहीं से हटाना होगा। तो इसके लिए एक और चीज़ आती है, अगर रिफ़्रेश करेंगे तो वापस आ जाएगा, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था। ये देखिए आ गया, दो ड्राइवर हट चुके हैं, दो पेंडिंग हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वापस इस जगह जाना है। अब एक बचा है, अब यहाँ पर आपको डिलीट करना है। कई बार क्या होता है कि हम कोई ड्राइवर या कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो वो टास्क मैनेजर में चला जाता है, और जब तक टास्क मैनेजर से वो हटता नहीं वो उसको अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो। तो हमें सिंपली क्या करना है, ये वन बता रहा है, तो यहाँ पे हमें टास्क मैनेजर में जाना है और यहाँ पे देखना वो प्रोग्राम ओपन होगा प्रिंटर का। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम प्रिंटर का प्रोग्राम ओपन है, तो यहाँ पे इसको
एग्ज़िट कर देना है। जैसे हम एग्ज़िट करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो हो सकता हो ये रिमूव हो जाए, तो यहाँ पे हम रिफ़्रेश करके कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने रिफ़्रेश किया, देखिए वो यहाँ से जा चुका है कम्प्लीटली। अब यहाँ पे आपको कैंसिल कर देना है। यहाँ पे एक इसका कंसोल बन जाता है, यानी कि सेटिंग। आप इसको चाहे तो सेव कर सकते हैं, अगर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसके रिगार्डिंग, आपको सेटिंग चेंजेस कर देते हैं तो उसको वहाँ पर रिस्टोर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ इस कंसोल्स को। आप किसी ड्राइव में पर्टिकुलर में सेव करें ताकि आपको ये कभी मिस ना हो सके, आपको जब ज़रूरत पड़े तो वो मिल सके। तो यहाँ हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे अभी भी ट्राइंगल में एक एरर आ रहा है, इसको कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब भी हम कोई सेटिंग करते हैं तो उसके लिए कम्प्लीटली जब तक सेटिंग नहीं हो जाती तब तक नहीं हो पाता। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने सभी ड्राइवर अनइंस्टॉल तो कर दिए हैं लेकिन अब वापस ऐड भी करना है। तो हम वापस ऐड ऐप इंटर में जाके इसको मैनुअली इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ मैनुअली इसको हमने यूएसबी पोर्ट पे रखा है। और यहाँ पे जो भी हमारी कंपनी का प्रिंटर है उसको, मैन्युफैक्चर कंपनी का, उसको सेलेक्ट करके और प्रिंटर का जो सीरीज़ है उसको लेके रिप्लेस द करंट ड्राइवर पे हम इसको ओके कर देंगे। जैसे ओके करते हैं कुछ ही माइक्रो सेकेंड के अंदर ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। आपको यहाँ पर टेस्ट पेज नहीं देना है, देंगे तो नहीं आएगा क्योंकि ये जो है अभी कम्प्लीटली सेटिंग नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज नहीं करते हैं तो कोई भी बात नहीं, आपको यहाँ पे जाना होगा services.msc, यानी कि एक और दूसरा प्रोग्राम जाना है वहाँ पे, उसको ओपन करना है और उसमें एक सेटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे हम सिंपली services.msc खोलते हैं, विंडो आर्ट करके टैप करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का रन प्रोग्राम आ जाता है, उसमें हम लिखेंगे services.msc। आपको अगर इसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पे दिखा दूंगा जिससे आप देख कर सकते हैं। तो यहाँ पे services.msc में आपको प्रिंट स्पॉलर नाम की एक exe ढूंढनी है, एक प्रोग्राम ढूंढना है जो रन करता है प्रिंटर पे जब प्रिंट हमारा चालू होता है तब। तो यहाँ पे हम सिंपली उसको स्टॉप करेंगे, राइट क्लिक करके हमें मिल गया है प्रिंट स्पॉलर, उसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद, रिफ्रेश करने के बाद आप उसको जो है दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको स्टॉप कर दिया था, अब हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपको वापस वहीं जाना है और उसको राइट क्लिक करना है, आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी तक आपका ड्राइवर शो नहीं हो रहा है, ट्रायंगल का एरर तो जा चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है, स्टार्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है इसके अंदर। मैं इस services.msc को क्लोज़ कर देता हूँ। देखिए ट्रायंगल का एरर चला गया बट हमारा प्रिंटर वो हाइड दिख रहा है। तो अब हमने जो भी सेटिंग की है वो सक्सेसफुली हो चुकी है हमारी। अब हमें क्या करना है, हमारे प्रिंटर को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पे जाते हैं डायरेक्टली, हम यहाँ से प्रोग्राम को, हमारे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे। शट डाउन नहीं करना है, रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी हम कोई अप्लाई करते हैं सिस्टम के अंदर, कुछ भी सेटिंग करते हैं तो वो अप्लाई होती है रिस्टार्ट होने के बाद। तो यहाँ पे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डिलीट करते हैं तो वो कम्प्लीटली रिमूव होगा रिस्टार्ट होने के बाद। तो हमारा जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर में देख लीजिए, वो यूएसबी केबल हम कनेक्ट बता रहा है, प्रिंटर आपका ऑन होना चाहिए और आपको जाना है प्रिंट एंग फैक्सेस के अंदर। यहाँ पे आप देखते हैं हमारा ड्राइवर जो हमने इंस्टॉल किया था मैनुअली वो आ गया है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो ड्राइवर वो आ गया है। यहाँ पे हम एक टेस्ट प्रिंट देखेंगे लेकिन उससे पहले रिफ़्रेश कर लें। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे आप इसको प्रिंटर को सेलेक्ट करना है रिफ़्रेश करने के बाद। और यहाँ पे हम वापस टेस्ट पेज देंगे कि भैया अब जो है हमारा प्रिंट वो प्रॉपर प्रोसीड हो रहा है कि नहीं, प्रिंट आ रहा है या नहीं, कहीं पेंडिंग में तो नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम वापस प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे नॉर्मली हम प्रिंटिंग देंगे। टेस्ट पेज के हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रिंट है वो सक्सेसफुली तरीके से बाहर आ चुका है, मेरे हाथ में प्रिंट आ चुका है। और यहाँ पे मैं आपको सॉफ्टवेयर बेस पे दिखा देता हूँ, यहाँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर जहाँ पे आपको प्रिंट दिखता है। तो यहाँ पे कोई भी प्रिंट पेंडिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रिंट है वो सक्सेसफुली निकल चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी जो प्रॉब्लम है प्रिंटर ड्राइवर मल्टीपल ड्राइवर की वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।